आपने जांच कराई और अब जांच रिपोर्ट सर क्या आई है और क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इसमें जैसा आप अवगत है कि इसमें FIR लिखी गई है और पुलिस अधीक्षक के यहाँ पे इसमें एक इंक्वायरी डिटेल इंक्वायरी करके प्रशासनिक इंक्वायरी करके उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। उसी के आधार पे 3 मेंबर्स की कमेटी बनाया गया था और उस कमेटी में जो है जो मैजिस्ट्रेट भी थे SDM थे और एक डॉक्टर थे और जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर हैं ये इनका एक कमेटी बनाया गया था। इन लोगों ने सभी जो अभिलेख उपलब्ध थे अभिलेख देखा, मौकस्थलीय निरीक्षण किया है, लोगों का बयान लिया, इन्होंने बयान लेने के बाद अपना रिपोर्ट जो है 4-5 दिन पहले उन्होंने उपलब्ध कराया गया था DM को और हमारी तरफ से इस पर उस जाँच रिपोर्ट को लगाते हुए CMO को और SP साहब को और जो डायरेक्टर है कैली के उनको भेजा गया है कि इस रिपोर्ट के आधार पर जो भी अग्रिम कार्रवाई करना, जो FIR दर्ज हुआ है तो उसमें प्लस जो अन्य जो प्रशासनिक इसमें और विभागीय कार्रवाई करनी है करने के लिए भेजा गया है। सर जांच में क्या कुछ पता चला है कि जांच में कुछ जो है संलिप्तता प्रथम दृष्टता पाई गई है और उनका नाम भी जो है उस इंक्वायरी रिपोर्ट में है, वो भेजा गया कार्रवाई करने के लिए। उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के SIC है उनको भेजा गया है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कर्मचारी इसमें संलिप्तता पाई गई है और जो कैली हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं उनको भी भेजा गया है और प्लस जो है हम लोगों ने इसको SP साहब को भेजा है कि जो FIR दर्ज हुआ है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उनको भी ये जो है उपलब्ध उनको करा दे ताकि वो भी अपने निष्पक्ष तरीके से सभी एविडेंस के आधार पर जो भी उनको आगे जांच करनी है और जांच के आधार पर जो भी निर्णय आएगा निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर ये ब्लड बैंक के क्या लैब टेक्नीशियन भी कोई स्पेसिफिक तो अभी इंक्वायरी रिपोर्ट में है स्पेसिफिक वाला, बट ये कि कुछ कर्मचारियों का नाम प्रथम दृष्टया आया हुआ है, हम लोगों ने इसको लिखा पढ़ी में भेजा है कार्रवाई।